ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे सीजीएल में जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है उसके अंदर किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है, ठीक है। और ख़ासकर जो है आपके ईडब्ल्यूएस और सर्टिफिकेट के बारे में, डिग्री, डीएमसी के बारे में, फिजिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड और प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, आपको पता है कि 4 से 8 जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा डीएसटी होगा, और जो 16 से 29 आपका क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एनआर का है, दिल्ली जोन का है, एनआर जोन का है। तो इसमें जो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास उतरना, अपने सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहां पर जाना है, और वहां पर DV 3rd फ्लोर पे हुआ था पहले तो ब्लॉक नंबर 12 में, ठीक है। और ये इस तरह का जो सिनेरियो कुछ रहेगा, बायोमेट्रिक वगैरह आपको अंदर बिठा के ऐसे करवा देंगे। 4 शिफ्ट में आपका ये जो है होगा, 9:30, 11:30 और 1:30, 3:30, ठीक है। अब देखो दोस्तों दूसरी बात क्या आती है क्रूशियल डेट की, कि क्रूशियल डेट हमारी क्या होती है। क्रूशियल डेट यानी कि जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे क्या होने क्रूशियल डेट के। तो क्रूशियल डेट यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसी को हम जो क्रूशियल डेट मानेंगे। तो वो क्या थी आपकी 31/1/2021, ठीक है, 31/1/2021 ये आपकी क्रूशियल डेट हो गई। इसके बारे में आगे बात करूंगा, तो हमने सिर्फ अभी क्रूशियल डेट लिखी है। अब देखो आपको क्या क्या लेके जाना है, एडिशनल फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ, 10th क्लास 12th क्लास, ग्रेजुएशन एंड कास्ट और एनओसी। अब देखो आपने यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था वो लेके जाना है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, दोस्तों 3-4 ले जाना, एक भर के ले जाना और 2-3 जो है खाली ले जाना, ठीक है। उसका कारण क्या है, अगर आप एक भर के ले गए सपोज, ठीक है, या तो उसमें कोई गलती हो या आप उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कटिंग उसके अंदर अलाउड नहीं है। तो इसलिए दो दो तीन खाली फॉर्म भी ले जाना, ताकि आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए, कि आप पता आपके फ्रेंड्स को मिल जाए वहां पे कि नहीं यार ये नहीं पहले नंबर पे, तो ये भरेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह का आपने जो करना, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी ले जाना, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th क्लास सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन, इनकी जो है फोटो कॉपी भी लेके जानी है आपने। क्या लेके जानी भाई, फोटो कॉपी भी लेके जानी है, और उनके ऊपर क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन करने हैं, ठीक है। अब ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम क्या रहती है, कि भाई किसी किसी में कंबाइन यानी कि कंसोलिडेटेड नहीं होती, तो भाई क्या नाम है, कंबाइन तो सभी की होती है, मतलब सेमेस्टर वाइज नहीं होती, कईयों की कईयों कंबाइन ही होती है। तो भाई कंबाइन उनको चाहिए जिसके अंदर सभी सेमेस्टर का रिजल्ट आए, जिसके अंदर सभी सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर रखा हो, ठीक है, सभी सेमेस्टर का रिजल्ट, ये उनके लिए मैंडेटरी है सभी सेमेस्टर का रिजल्ट। और वो लास्ट डेट क्या थी आपकी, 31/1/2021, ठीक है, इससे पहले का हो। और दूसरी बात, अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी ले जाना, और आपके पास अगर सेमेस्टर वाइज है तो वो भी दोस्तों ले जाना आप, ठीक है, वो भी ले जाना सेमेस्टर वाइज अलग अलग अगर आपके पास है, मिली हुई है तो। दूसरी बात है कास्ट सर्टिफिकेट, भाई SC ST और OBC EWS जो जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं, या आपने कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह किसी तरह का ले रखा है। और NOC भाई, जैसे मान लिया आप कहीं ऑलरेडी जॉब में करते हैं तो वहाँ से आप NOC जो है, ये NOC बाद में भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि उसी आपको NOC दिखानी है, ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज की जो मार्कशीट है भाई वो डिपार्टमेंट आपसे लेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैं प्रेफरेंस फॉर्म की, इस तरह का आपका प्रेफरेंस फॉर्म होता है ये, ठीक है। वहाँ पर ऐसे कुछ लिखवाएंगे और ये जो है ये 2-3 लाइनें आपसे लिखवाएंगे हैंड रिटन में, ताकि ये जो हैंड रिटन की अगर मैं बताऊं, ये हैंड रिटन वही लिखना जो आपने जब आपका पेपर हुआ था उस टाइम भी आपने लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपने हैंड राइटिंग अलग हो गई तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आने वाली है 100%। क्यों हुई थी मेरे को जो है प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ। SSC MTS के अंदर जो पोस्ट है उसके अंदर साइन जो है थोड़े से डिफरेंट हो गए थे, तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने 1 साल तक इन ज्वाइनिंग रोक दी। और ये जो है FSL, ये जो जो लैब होती हैं वहाँ पर ये जो है मैच होने के लिए भेज दिए थे, ठीक है, राइटिंग अंगूठा वगैरह मैच होने के लिए दोबारा से। तो ये इस तरह से दोस्तों प्रेफरेंस फॉर्म है, यहाँ पर आपने ये प्रेफरेंस लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जो प्रेफरेंस आपने फिलअप करनी है अपने उसमें देख करके। तो ये है दोस्तों आपका OBC का, इसका EWS का। उससे पहले मैं बता दूं आपको,
फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों टोटल जो आपके 32 तरह की पोस्टें हैं, ठीक है, दो आपकी 4800 ग्रेड पे की, 16 आपकी जो है 4600 ग्रेड पे की, 5 4200 की, 5 2800 की और 4 जो है 2400 ग्रेड पे की, ठीक है। तो इन सबको जो प्रेफरेंस भी हुआ मैंने आपको दिखा, बड़े ध्यान से भरना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स को देखकर ही आपको जो है आपकी पोस्ट एंड स्टेट मिलेगा, ठीक है। आपके मार्क्स को देखकर ही आपको पोस्ट और स्टेट मिलेगा। पहले आपको पोस्ट देखेंगे, ठीक है, फिर आपको जो है स्टेट देखेंगे आपका। तो उसके हिसाब से जो है जैसे जैसे मार्क्स आपके होंगे उसी के हिसाब से पोस्ट मिलेगी, फिर आपको जो है स्टेट मिलेगा। तो पहले पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं और फिर स्टेट को देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। अब आपको पता है कि आपकी लास्ट डेट जो है 31/1/2021 थी, 31/1/2021 लास्ट डेट फॉर्म भरने की थी। तो ये आपका दोस्तों बन गया 2020-21, ठीक है, 2020-21, ठीक है, क्योंकि ये 21 का मतलब ये 31 मार्च तक ये होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर 2 साल होते हैं, वैलिड फॉर द ईयर, यहाँ पर आपका होना चाहिए दोस्तों 2020-21, 2000 क्या होना चाहिए 2021। एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर दोस्तों आपका होना चाहिए 2019-20, ठीक है, 19-20। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसमें हम पैसे कमाते हैं, ठीक है, पैसे कमाने वाले साल को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं और इस साल के लिए वैलिड होगा। ये सब आपका नाम नुम और ये सब होगा, जो आपकी डेट होगी ना यहाँ पर, ये आपकी जो है 31/1/2021 से पहले की आपके उसके सर्टिफिकेट के ऊपर होनी चाहिए। फोटो वोटो और सब जो है आपने सही करवाना। अगर ये आपने दोस्तों गलत करवा दिया, सपोज ये आपने गलत करवा दिया वहाँ पर, तो फिर क्या होगा, तो आपको प्रोविजनल प्रोविजनल अपॉइंटमेंट देंगे और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर आपकी वेरिफिकेशन के लिए जो है भेज देंगे या फिर आपसे दोबारा बनवाने के लिए बोल देंगे। दोबारा तो आपका बनेगा नहीं बैक डेट का, तो वेरिफिकेशन होने के लिए आपकी तहसीलदार को जो है भेज देंगे, ठीक है। तो तहसीलदार वेरीफाई करके दोबारा से फिर इनको देगा, तब जाके प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी कि थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा है तो मेनली, ठीक है। और ओबीसी सर्टिफिकेट और ये जो है भाई 8 लाख से नीचे का हो आपका और सेंटर गवर्नमेंट का ही हो, सेंटर गवर्नमेंट का ही चलेगा और स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। अब अगर मैं बात करूँ ओबीसी सर्टिफिकेट की, ओबीसी सर्टिफिकेट भाई 3 साल पुराना ही चलेगा आपका, 3 साल पुराना ही चलेगा, वो भी 8 लाख से नीचे का हो, ठीक। ये हो गया भाई। अगर कोई फिर भी अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट्स मैं दूर कर दूंगा भाई, ठीक है। तो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो इंस्पेक्टर एक्साइज एग्जामिनर और प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सीबीएन नारकोटिक्स में, सब इंस्पेक्टर सीबीआई और एनआई में, ठीक है। तो इनके अंदर फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड होता है भाई, वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, इसमें भाई ये हाइट मैन के लिए, वुमैन के लिए ये इतनी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। आई आपको चश्मे वगैरह चढ़े हों तो कोई दिक्कत नहीं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसमें भाई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और तो बाकी मेन मेन चीज़ें यही हैं, ठीक है। फिजिकल टेस्ट इसमें 1600 मीटर ये कोई आराम से कर दोगे आप 15 मिनट में, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस ही है। मेनली क्या है, कलर ब्लाइंडनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है दोस्तों, जो अहम एक और बात होती है, जो हम जब हम ये प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करते हैं ये वाला, तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, जो गलतियां होती हैं वो बता देता हूं मैं आपको क्या गलती होगी। और कि जैसे आपने प्रेफरेंस भर दी जेएसओ की, ठीक है, सपोज आपने जेएसओ की भर दी और आपने पेपर भी दिया था, जेएसओ की भर दी आपने पेपर भी दिया था, पास भी हो गए और आपका डॉक्यूमेंट में भी आपको आपने डॉक्यूमेंट भी करवा लिया, बट आपके अंदर 12th के अंदर आपके पास सपोज मैथ ही नहीं था, मैथ नहीं था, और सपोज एसएससी वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, तो आपको जो है जेएसओ की पोस्ट मिल गई और आप चले गए डिपार्टमेंट में। जब डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करेगा ना, वो थोड़ा सा डीपली चेक करता है, ठीक है, तब जो है आपको बाहर कर देंगे और फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में, जूनियर स्टैटिकल उसमें भी क्या होना चाहिए, स्टैटिक्स होनी चाहिए 3 साल में, ठीक है, किसी की 1 साल में हुई तो वो भी जो है भाई बाहर फिर बाद में हो जाएंगे। अगर आपने ऐसी कोई पोस्ट भर दी जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर, और आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया, जीएसटी इंस्पेक्टर,
और कलर ब्लाइंडनेस हो, फिर भाई आप भी बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो इस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और ये सब चीज़ें कब ध्यान रखनी है, हमने पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ते हैं, जब आप ये आप सारा काम करवा लोगे, वहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह करवा लोगे, तो उसके बाद आपको एक फॉर्म दे देंगे भरा हुआ, उन्होंने भरा जो ऑनलाइन, ठीक है, उसके अंदर आपकी ये पोस्ट प्रेफरेंस दिखाई शो करेंगी। तो आपने उसी टाइम वेरीफाई कर लेना है कि जो मैंने पोस्ट यहाँ पर अपने हाथ से भरी थी, क्या ये वही है, ठीक है, तो वो वेरीफाई कर लेना उसी टाइम, क्योंकि बाद में किसी भी तरह की कोई कंसिडरेशन SSC के अंदर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप कहीं चले जाना, ठीक है। तो इसलिए जो भी ठीक करवाना भाई उसी टाइम ठीक करवाना है। सपोज किसी के टेंथ की मार्कशीट में या ट्वेल्थ की मार्कशीट में फादर मदर का नेम गलत है, ठीक है, नेम गलत है, तो भाई वो ऑटोमेटिक पहले ही जो है एफिडेविट बनवा कर ले जाएं कोर्ट से कि 5,500 रुपये का वो लगवा के बॉन्ड, क्या होता है वो स्टैंप टिकट वगैरह होती तो वो लगवा के लिखवा लेना कि भाई ये ऐसे से गलती है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना होता है हमें, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर रखी है, तो थोड़ी सी और जो है केयर हम इस चीज़ के ऊपर कर लें, ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का जो है इस तरह से प्रॉब्लम आई है, तो वो मैंने आपको शेयर कर दी। फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई डाउट रहता है, और TA जो है टैक्स असिस्टेंट, CBDT और CBIC में अगर कोई इच्छुक है या उसके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग है, तो दोस्तों जो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और शायद दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर कर दिए हैं। 32 तरह की आपकी पोस्टें हैं, मेन आपकी प्रेफरेंस जो है आपने बड़े ध्यान से भरनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेते हैं विदा।